आज मेरे साथ एक सच्ची इंस्पिरेशनल स्टोरी मौजूद है। 13 साल का बच्चा देर से लाहौर आता है क्रिकेटर बनने के लिए और महज 16 वर्ष की उम्र में वो पाकिस्तान टीम में जगह भी बना लेता है। मैं सही कह रहा हूँ, वैसा ही हुआ सब कि आप सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए लाहौर आए? जी बिल्कुल, देखिए देर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ लोअर देर से, और वहाँ पे बिल्कुल क्रिकेट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे इस तरह के कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप स्पाइक्स फेंक सको या हार्ड बॉल के क्रिकेट खेल सको। वहाँ पे इस तरह की कोई विकेट नहीं है। हाँ, टेप बॉल लोग खेलते हैं और मैं भी टेप बॉल ही खेलता था, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे जिनको क्रिकेट की समझ थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अच्छा खेलते हो, अच्छे बॉलर हो, आप चाहे लाहौर में जाके अच्छी अकेडमी ज्वाइन करें। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मैंने एकेडमी ज्वाइन की, अब्दुल कादिर एकेडमी से मैंने स्टार्ट की है, और इसी तरह इनसे के साथ टच रहा, वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग की है। पाक लाइन्स एक एकेडमी है, उनके साथ भी मैं बड़ा अच्छा रहा, उनके साथ भी खेलता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ने मौका दिया है तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सबसे पहले जाके अच्छा क्रिकेट खेलूँ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है तो सबसे पहले मेरा एक ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं अपने छोटे इलाके के लिए, अपने लोअर दीर के लिए कुछ ऐसा करूँ कि वहाँ से और भी अगर मेरे तरह टैलेंट है तो मैं निकाल के उनको ले आऊँ वहाँ पर कोई अकेडमी। तो इंशाल्लाह मेरी ये एक ख्वाहिश है। नसीम, हज़ारों लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप जैसा कम ही सोचते हैं कि क्रिकेटर बन के दिखाऊँगा मैं, ये ऐसा सोच कैसे आपके दिमाग में आया? जी बिल्कुल, जो भी प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट करता है तो हर क्रिकेटर का यही ख्वाब होता है कि मैंने क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो आपके जहन में डर नहीं था कि शायद इतने लोग खेलते जगह कैसे बनाऊंगा? जी देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। हम सबके देखते हैं, मैचेस देखता रहा मैं सब कुछ, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे क्लब का मैच मिलेगा या अंडर 19 रीजन का हो या अंडर 16 का हो, कोई भी चीज़ हो। मैंने कहा मैं हर मैच में परफॉर्मेंस करूंगा, अपने बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, बाकी जो मिलेगा इंशाल्लाह वो मिलता रहे, और अल्लाह का शुक्र है। उसी तरह मैंने अपने माइंड को रखा कि हर जो भी इवेंट आएगा उसमें मैंने परफॉर्मेंस करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मदद की है। और नसीम, आपके करीबी दोस्त बता रहे थे कि आप जब लाहौर आए तो बहुत टफ टाइम था, मतलब फाइनेंशियल भी और सब चीज़ों से थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करेंगे, लोगों को बताएंगे कितनी मुश्किल से आप उस सब स्टेज से निकले और क्या क्या मुश्किल आई आपको? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अब्बू तो पहले मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे थे कि आप लाहौर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, वहाँ पे आप किस तरह मैनेज करोगे, क्योंकि लाहौर में यहाँ पे पहले हमारी फैमिली नहीं थी। अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुए और फैमिली भी आ गई है घर वालों के साथ, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि रिहाइश का मसला था, और क्रिकेट में फास्ट बॉलर हो तो उसके लिए डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अंडर 16 में जब मैंने ट्रायल दिए तो मैं एक नाम ज़रूर मेंशन करूंगा जिनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतनी कम है, मुदस्सर नज़र साहब, जिन्होंने मुझे NCA में बहुत। लाहौर में शुरू में रहे कहाँ पे थे आप? बिल्कुल, लाहौर में तो मैं हॉस्टल में रहा था, यहाँ पे मलक नसर इकबाल नाम का एक शख्स है जो पाक लाइन अकेडमी से रहता है, उसका एक हॉस्टल था तो वहाँ पे मैं रहता था। मेरे लिए बहुत मसला होता था कि ग्राउंड जाना, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करना, डाइट का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें अकेले में। घर वाले भी कहते थे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे घर वालों को क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है। मेरे अब्बू कहते थे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या वहाँ पे गए हो, ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता मैं खेलता रहा, क्योंकि मेरा एक बचपन से एक शौक़ था और एक जुनून था कि मैंने ना कुछ करना है। क्योंकि मैं जब वहाँ पर लोग देखता, मतलब वहाँ पर लोग मैं देखता था, जितने भी वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते थे टेप बॉल के, तो बहुत सारा ना, मतलब मुझे मेरे तरह ही बॉलर मुझे नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह एक दिन ऐसे आएगा कि मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान टीम में खेलूँगा, और अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह अपने गांव के लिए कुछ करूँगा अभी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है और कौन सा बल्लेबाज ऐसा है जिसको आप चाहते हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया का नाम भी हो, बल्कि आप चाहते हो कि उसके साथ मैच पड़े और आपके सामने बॉलिंग करना चाहो? अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी जाके इंशाल्लाह खेलेंगे, अभी तो करियर का आगाज़ ही हुआ है, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हर बॉलर का यही कोशिश होता है, उसके सामने कोई भी बैट्समैन हो उनके साथ मैच होता है, बैट्समैन और बॉलर का ये मैच होता है कि बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग करना और बैट्समैन को आउट करना। तो अभी तक ये नहीं सोचा कि किसको क्या करना है, क्योंकि बेस्ट बॉलिंग तो हर किसी को आपने करनी होती है एज अ बॉलर। तो मेरी यही कोशिश है इंशाल्लाह कि जो भी बैट्समैन सामने आएगा तो उसको अपनी बेस्ट और अच्छी बॉलिंग करें।
फिर इट जैसे कि मैंने बताया अंडर 16 में मैं शेन बॉन्ड का एक्शन बड़ा अच्छा मुझे लगता था उसका रन अप, क्योंकि उसका एक्शन भी थोड़ा बहुत मिलता था. और दहरी बात है जो हमारे फास्ट बॉलिंग के लीजेंड है वक़ार यूनस, वसीम अकरम, शेब अख्तर, उनके बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और उनकी वीडियो देखता हूँ बड़ा मोटिवेट होता हूँ. अभी करंट वक़ार यूनस के साथ काम किया बॉलिंग पे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.